डिजिटल इंडिया सर्वे के नाम पर ग्रामीणों के बैंक खाते से की गई धोखाधड़ी। जिला मंडला 6 फरवरी को ग्राम बघेरुड़ी चौकी हृदय नगर में 3 महिलाओं द्वारा शिकायत की गई थी कि गांव में 2 लोग आए हुए थे जो अपने आप को डिजिटल इंडिया का सर्वे करने वाला बताया और गांव की महिलाओं से आधार कार्ड नंबर और उनके फिंगरप्रिंट मोबाइल पर स्कैनर कर बैंक से राशि निकाल लिए है और दोनों युवक ने कहा कि हम कल फिर आएंगे बोलकर चले गए। गाँव वालों को कुछ गड़बड़ी की आशंका होने पर गाँव की तीनों महिलाओं द्वारा पासबुक एंट्री कराने पर उनके खाते से 10,000, 3,000 तथा 5,000 किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर हो जाना पता चला। दूसरे दिन जब तीनों युवक पहुंचे तो उन्हें पहचाने पर पकड़ लिया गया। 4 लड़कों के विरुद्ध अपराध पंजीबंद कर 3 आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपीगण से पूछताछ पर आरोपीगण द्वारा फिनो पेमेंट बैंक के फिनो मित्रा ऐप का पिछले 1 वर्ष से उपयोग करना बताया तथा इसी ऐप के जरिए लोगों से सर्वे करने के नाम पर धोखाधड़ी कर उनके आधार कार्ड नंबर व फिंगरप्रिंट पास कर उनके खाते की जानकारी प्राप्त कर लेना तथा उसके बाद स्वयं के एवं अपने दोस्तों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर देना बताया है। अभी तक की पूछताछ पर ग्राम बघेरुड़ी के कुल 7 लोगों के खाते से 21,100 रुपए ट्रांसफर कर लेना सिद्ध हुआ है। गांव के अन्य लोगों के पैसे के संबंध में आरोपी के खाते की जानकारी ली जा रही है। देखिए, इसमें चौकी हृदय नगर क्षेत्र में हमारी पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं गांव में जो एक मशीन लेके घूम रहे हैं, वो लोगों से उनका आधार नंबर मांग रहे हैं और फिर एक POS मशीन में फिंगरप्रिंट के थ्रू कुछ गतिविधियाँ कर रहे हैं। लोगों को डाउट हुआ, उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस जब मौके पर पहुंची और उनको गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ करी तो हमको पता लगा कि ये लोग फ्रॉड कर रहे थे, बैंकिंग फ्रॉड उस मशीन के माध्यम से कर रहे थे और लोगों के अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने कबूल किया है कि 7 लोगों से ये पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके थे जो गांव के लोग थे। इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि उनसे आधार नंबर लेना और उनका फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करके जो आजकल के पेमेंट सिस्टम्स नए बनाए गए हैं सहूलियत के लिए लोगों के, उसको मिसयूज़ कर रहे थे और उनके पैसे का ठगी कर रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया है, अब इनसे अग्रिम पूछताछ जारी है। निश्चित तौर पे मुझे ऐसा भरोसा है कि अभी इसमें और भी मामले खुलेंगे अपना। ये अलग अलग लोगों से अलग अलग राशि है, किसी से 3,000, किसी से 7,000, किसी से 5,000, जिसके खाते में मुझे लग रहा है जितनी राशि इनसे ट्रांसफर हो पाई वो उन्होंने किया है। अभी सर क्या लगता है, पकड़े गए आरोपी जो हैं इनके पीछे कोई सरगना भी है या ये ही मात्र लोग हैं जो अभी देखिए इनको हमने गिरफ्तार किया है और अभी PR पे इनसे पूछताछ चल रही है। जहां तक मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पे इनके पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये सिस्टम बना के इनको दिया होगा, जिन्होंने इनको मशीन लेके दी होगी कि इसको यूज़ करें, उसको डेवलप करेंगे हम और ऐसे लोगों का नाम आता है तो उनको भी सम्मिलित करेंगे अपराध। सर साइबर क्राइम बड़ा गंभीर अपराध माना जाता है, खासतौर पर मंडला जैसे जिले में इस क्राइम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से देखते हैं, क्या अंकुश किस तरह से? निश्चित तौर पर जैसा कि पिछली प्रेस वार्ता में भी मीडिया के साथियों ने ही बताया था कि मंडला में लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं और मोडस ऑपरेंडी भी लगभग यही था, उसी को ध्यान में रख के हमने सभी थाने चौकी क्षेत्र में अलर्ट घोषित किया हुआ है। जहाँ भी हमारे स्टाफ के लोगों से मिल रहे हैं उनको बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी संदेहास्पद व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है जो कोई मशीन लेके घूम रहा है या आपका फिंगरप्रिंट मांग रहा है, आपका आधार नंबर या बैंकिंग डिटेल मांग रहा है, तो पुलिस को सूचित करें। उसी क्रम में हमको एक अच्छी सफलता मिली है अभी। और जहां तक साइबर क्राइम की बात है तो रोकने के लिए जनता में जागरूकता जगाना, उनको अवेयर करना कि ऐसे किसी के झांसे में ना आएं, किसी से भी अपनी कोई प्राइवेट जानकारी बैंकिंग संबंधी या आधार कार्ड संबंधी शेयर ना करें, उनको कभी भी अपना, जब तक आपको पुष्टि ना हो जाए कि कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई बैंक का आदमी है, कभी भी उसको अपना फिंगरप्रिंट या ऐसी कोई भी चीज़ ना दें। मेरे हिसाब से जागरूकता जगाना, लोगों में इसकी एक प्रॉपर अवेयरनेस हो कि क्या करना चाहिए और कैसे अपनी बैंकिंग सेफ्टी को मेंटेन करना है, वही एकलौता रास्ता है। क्योंकि एक बार जब बैंकिंग फ्रॉड हो जाता है तब उनको पकड़ना और उनको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। बेहतर है कि हम उसका बचाव कर सकें और अलर्ट रहें, उसी में हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। देश दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ विटनेस और रहे पल पल के खबरों से अपडेट।